गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज योर ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर क्लास 8। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस ऑडियो रिकॉर्डिंग आई टोल्ड यू ऑल टू कंप्लीट योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, इफ आई विल से वन और टू, ओनली वन और टू ऑफ देम हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क्स। सो स्टूडेंट्स, देखिए, अगर आप लोग क्लास में टीचर्स को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है इसका। बिकॉज देखिए, मुझे भी पढ़ाने में तब मन लगेगा जब आप लोगों को पढ़ने में मन लगेगा, और आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स अपने अपने होमवर्क से जी चुरा रहे हैं। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आप सभी को कि आप लोग हम लोगों को कॉपरेट करें, बिकॉज आपके भरोसे ही हम लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस का काम शुरू किया था कि ये बच्चे हमें कॉपरेट करेंगे, घर से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और अगर आप घर से अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर इन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे कि पढ़ाई अच्छे से करें, ताकि आपको इनका बेनिफिट मिल सके, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा आउटपुट ले सकें। स्टूडेंट्स, जब हम किसी काम को करते हैं तो बेटर आउटपुट, बेटर रिजल्ट के लिए करते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस अगर जब चल रही हैं आप लोगों की इस लॉकडाउन में भी, तो आप लोगों को इससे भी बेटर आउटपुट फाइंड आउट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और फॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बखूबी कर रहे हैं अपने अपने घरों से। तो मुझे खुशी है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो इन ऑनलाइन क्लासेस का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड टू सी दिस। सो स्टूडेंट, आज इसी क्रम में, चूंकि हम लोगों ने क्लास 8 के चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया था, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया था, उसे आप लोगों को बनाना है, और बनाने के दरमियान प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। सो नाउ, अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो सबसे पहले तो ये जाने हम लोग, व्हाट इज फाइबर? अ वेरी थीन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर। ये बहुत पतला धागे के जैसा एक स्ट्रैंड होता है, रेशा होता है, जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है या जो आप लोग पहनते हैं, वो फाइबर से ही तैयार होते हैं, और फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है। सो फैब्रिक्स कैसे होता है? जब फाइबर्स को नीट करते हैं, यार्न करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तब जाकर के फाइबर से फैब्रिक का फॉर्मेशन होता है। सो आप लोगों ने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम लोग फाइबर्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फाइबर्स टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। जिन फाइबर्स को हम लोग प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, कॉटन है, फ्लैक्स है, जूट है, वूल है, आपको उसके बाद सिल्क है। और जिन फाइबर्स को ह्यूमन बींग्स ने बनाया है लेबोरेटरी में या आर्टिफिशियली, दो फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें बहुत सारे फाइबर्स आते हैं, रेयन, नायलन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर को ही देखेंगे। तो इनको समझने से पहले हम लोगों को पॉलीमर टर्म को समझना पड़ेगा। पॉलीमर क्या होता है? स्टूडेंट्स, अ पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। जब बहुत छोटे 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 मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं टुगेदर, तो एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। इसे हिंदी में कहते हैं बहुलक, जो छोटे 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 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो पॉलीमर्स जिन छोटे 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 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उन्हें हम लोग मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर। दैट मीन्स जब बहुत सारे मोनोमर्स को कंबाइन करते हैं, तब जाकर के पॉलीमर बनता है। ओके, सो पॉलीमर्स भी टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पॉलीमर और दूसरे होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। ओके, आपने देखा होगा जो कॉटन फाइबर्स होता है वो नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज बहुत सारे मोनोमर्स से बनता है। ठीक है, सो यहां पर ये जो टर्म आया है सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब ही होता है जब ह्यूमन ने इसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनाया हो। सो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ये मैन मेड फाइबर होते हैं जिन्हें केमिकल सब्सटेंसेस के हेल्प से लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं जो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं। तो किस किस तरह के सिंथेटिक फाइबर होते हैं, हम लोग वो जानेंगे। फोर मेजर टाइप के सिंथेटिक फाइबर हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। ओके, सो हम लोग एक एक करके इन सारे
सिंथेटिक फाइबर्स को देखेंगे, जिनमें सबसे पहले आता है रेयन। रेयन को अक्सर आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ये एक मैनमेड फाइबर है जिसे नेचुरल रॉ मटेरियल सेल्यूलोज के केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू तैयार किया जाता है। ओके, जब सेल्यूलोज को केमिकली ट्रीट किया जाता है लेबोरेटरी में, तब जाकर के रेयन का फॉर्मेशन होता है। ये डिफरेंट होता है सिंथेटिक, ट्रूली सिंथेटिक फाइबर से, क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल से ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स वुड पल्प, लकड़ी के छिलके से तैयार किया जाता है रेयन को। ओके, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो रेयन का यूज क्या क्या है? तो रेयन से साड़ियां तैयार की जाती है, ब्लाउजेस बनते हैं, ड्रेसेस बनते हैं, सॉक्स बनते हैं। रेयन का यूज किया जाता है कॉटन में मिक्स करके बेडशीट बनाने में, कर्टेंस बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में। रेयन को वूल में मिक्स करके कारपेट तैयार किया जाता है। रेयन को मेडिकल फील्ड में यूज करके बैंडेज और सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं। रेयन का टायर इंडस्ट्री में यूज करके टायर कॉर्ड बनाए जाते हैं। सो दिस इज फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर रेयन। स्टूडेंट्स, इसके दूसरे सिंथेटिक फाइबर हैं नायलॉन। अब अगर हम लोग नायलॉन की बात करें तो नायलॉन भी एक सिंथेटिक फाइबर है जो एक्चुअल में न्यूयॉर्क और लंदन में इसे तैयार किया गया, डेवलप किया गया, जिसके कारण न्यूयॉर्क से NY लिया गया और लंदन का LON लिया गया और तब जाकर इसका नाम पड़ा नायलॉन। NY न्यूयॉर्क, LON लंदन। ओके, सो ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। जब मोल्टेन नायलॉन को जब टीनी होल से गुजारा जाता है तो फिर ये डिजायर्ड शेप्स में कास्ट हो जाते हैं, जैसी इच्छा हो उस तरह का शेप्स ले लेते हैं। ये काफी स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेटेड होता है और लस्ट्रस होता है। ठीक है, ये वाटर को बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं करता, हम कहें ना के बराबर अब्सॉर्ब करता है। यूजेस क्या क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज है, साड़ी बनाने में, शर्ट बनाने में, नेक टाई में, सॉक्स में और भी गारमेंट्स में इसका यूज किया जाता है। कर्टेन बनाने में, स्लीपिंग बैग्स में, टेंट्स में इसका यूज किया जाता है, रोप बनाने में, सीट बेल्ट बनाने में, फिशिंग नेट में, टायर कॉर्ड में। ओके, सो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने दो सिंथेटिक फाइबर्स को कंप्लीट किया, रेयन एंड नायलॉन। अदर सिंथेटिक फाइबर्स जो बाकी दो हैं, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। सो आई होप यू ऑल वुड हैव एंजॉयड दिस क्लास। सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन विद यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय।